दोस्तों भोजपुरी में तो एक से बढ़ के एक सुपरस्टार हैं। कोई पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं तो कोई ट्रेंडिंग स्टार के नाम से, कोई जुबली स्टार के नाम से तो कोई चॉकलेटी स्टार के नाम से। ये जितने भी सुपरस्टार हैं, इन लोगों ने जितने अपने नाम का भौकाल मचा के रखा है, उतना इनकी फिल्में सुपरहिट हो पाती है क्या? दोस्तों आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि किसकी कितनी फिल्में यूट्यूब पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों 4 नंबर पर हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी। इनका सिंगल फिल्म अपने दम पर कोई भी 100 मिलियन नहीं है, लेकिन इनके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ आया हुआ फिल्म खून पसीना सिर्फ वो एक फिल्म है जो 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार किया है। दोस्तों अब 3 नंबर पर हैं ऐसे सुपरस्टार जिन्हें आप बहुत हल्के में लेते होंगे, लेकिन देख लीजिए इनका पावर। हम बात कर रहे हैं दिनेश लाल यादव जी के भाई सुपरस्टार प्रवेश लाल यादव जी के बारे में। जी हां, इनका एक नहीं बल्कि 2 फिल्में हैं जो 100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है। पहली फिल्म तो इनके भाई के साथ है राम लखन, जो कि 100 मिलियन व्यूज पार है, और दूसरी फिल्म इनके अकेले दम पर है जिस फिल्म का नाम है घूंघट में घोटाला। जी हां, ये इनके अकेले दम पर 100 मिलियन पार है। दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं करोड़ों जनता के दिलों पर राज करने वाले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी। जी हां, इनका एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 6-6 फिल्में सुपर डुपर हिट और 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है। और ये 5 फिल्मों के नाम ये रहे: पहला संघर्ष, दूसरा नागिन, तीसरा दुल्हन वही जो पियामन भाई, चौथा मेहंदी लगा के रखना, पांचवा दिलवाला, और 6 नंबर पर है मैं सेहरा बांध कर आऊंगा। ये सारे फिल्में हैं जो भोजपुरी के सबसे सुपर हिट मूवी है और सभी 100 मिलियन पार है। और दोस्तों नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर है भोजपुरी के जुबली स्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव जी। जी हां, इनका 8 फिल्में है जो 100 मिलियन व्यू से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। और इन सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये रहे भोजपुरी के सुपरस्टार की लिस्ट। बाकी भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार आप किसे मानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।